आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको फिर मैं सेमेस्टर थ्री में जो आपका पेपर है सेक थ्री और या फिर आपका पेपर सेक वन हो सकता है अगर आपका सीबीसीएस है तो उसमें आज फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, साथ में ऑप्शन और उसका आंसर आपको पूरा देखना है, वॉच करना है, पढ़ना है और समझना है, कॉपी में नोट डाउन करना है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, स्क्रीन में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। Which of the following ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिज़ाइन फॉर मोबाइल डिवाइसेज। हमने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता दिया, अगर आप नहीं जानते हैं तो पीछे का वीडियो जाकर देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए यूज़ किया जाता है, मोबाइल डिवाइस के लिए। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो एंड्रॉयड जो होता है ये स्मार्टफोन के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर टू पे देखेंगे, इन विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डू ऑल कंप्यूटर्स वर्क टुगेदर एज अ सिंगल सिस्टम। यानी निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सब साथ में एज अ सिंगल सिस्टम काम करता है, तो आपको ऑप्शन सही होगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा एग्जाम में पूछेगा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन है तो उसको भी आप देख सकते हैं। और इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये नहीं है। आपका ऑप्शन क्या है सही, यूनिक्स है, ये सब नहीं है। ठीक है, तो यूनिक्स क्या है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्रोनिम GUI स्टैंड्स फॉर। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये ऑप्शन सही है आपका, इसको भी एग्ज़ाम में, ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसलिए आप इसको नहीं भूलें और अच्छे से याद कर लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टास्क दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म्स। निम्नलिखित में कौन सा टास्क है जो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, वेब ब्राउजिंग नहीं, फाइल मैनेजमेंट यस, राइटिंग डॉक्यूमेंट नहीं, गेमिंग। तो मेन टास्क कौन करता है, फाइल मैनेजमेंट को ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। ठीक है, अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी दे रहे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स। यानी इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्या कंट्रोल करेगा, यूज फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग मल्टीपल कंप्यूटर्स। बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना, दैट इज़ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम्स टू रन साइमल्टेनियसली। यानी एक साथ। अब क्वेश्चन यहाँ को क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोल रहा है, एक साथ प्रोग्राम करने के लिए अलाउ करता है। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये सब भी टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम के, बट ये जो है मल्टी टास्किंग, ये अलाउ करता है कि एक साथ बहुत सारे काम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच कमांड इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू डायरेक्टरी इन MS-DOS। यानी MS-DOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके ये सारे कमांड हैं, बट आपने बताना है कौन सा कमांड से नया डायरेक्टरी बनाते हैं, न्यू डायरेक्टरी। ठीक है, जिस तरीके से आप विंडोज़ में आपने फोल्डर का नाम सुना होगा, उसी तरीके से आप इसमें MS-DOS में उसी को हम डायरेक्टरी कहते हैं। तो MD जो होता है ये मैक डायरेक्टरी, MD का फुल फॉर्म क्या होता है, मैक डायरेक्टरी। ये ऑप्शन सही हुआ आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू। यानी जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पर्पस क्या है, प्राइमरी पर्पस क्या है, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू शेयर यूजर्स टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम एट द सेम टाइम। ये आपका ऑप्शन सही है। ओके, रियल टाइम जो आपसे पूछेगा, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे पूछ रहा है कि इसका मेन पर्पस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी यूज्ड। यानी वर्चुअल मेमोरी किस में यूज़ किया जाता है, तो ये याद रखिएगा सब में होता है यूज़, यानी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच फाइल सिस्टम इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर यूज्ड बाय विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी विंडोज़, जो कि विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप है, विंडोज़ है। ठीक है, और पार्ट ये इसमें कौन सा फाइल यूज़ होता है, तो NTFS यूज़ होता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, NTFS। नेक्स्ट है,
व्हाट डज द बूट लोडर प्रोग्राम डू, यानी बूट लोडर जो जैसे हम लोग सिस्टम ऑन करते हैं बूटिंग होता है वो क्या करता है, तो इसमें क्या बोल रहा है, जैसे बूटिंग करते जैसे ऑन करते हैं तो यानी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, कहाँ पे होता है, मेमोरी में होता है, तो लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द टास्क मैनेजर इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी टास्क मैनेजर में हम लोग देखते हैं कितने सारे टास्क और उसको मैनेज कैसे किया जाएगा, उसका क्या क्या पूछ रहा है यहाँ पे, पर्पस पूछ रहा है, तो क्या इंस्टॉल प्रोग्राम पूछ है ऑप्शन, नहीं, टू मैनेज रनिंग प्रोसेस एंड एप्लीकेशन, टू फॉर्मेट डिस्क, टू रन एंटीवायरस। सो टास्क मैनेजर में जब इसको हम ओपन करते हैं तो जितने भी प्रोसेस रन हो रहे हैं वो सारे को हम मैनेज कर सकते हैं, या जो भी एप्लीकेशंस आपके सिस्टम में ओपन है, जो सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, वो सारे को हम जाकर टास्क मैनेजर में देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, इवन हम डिलीट भी कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली वहाँ से भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, चूँकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे फंक्शन हैं, अब ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है, तो मेमोरी मैनेजमेंट तो फंक्शन है, प्रोसेस मैनेजमेंट भी फंक्शन है, डिवाइस मैनेजमेंट भी फंक्शन है, बट टेक्स्ट एडिटिंग मेमोरी मैनेजमेंट का डायरेक्टली फंक्शन नहीं है, तो ऑप्शन हमारा यही सही होगा, चूँकि ये फंक्शन नहीं है। सो हमने इतने सारे आपको क्वेश्चंस बताएं, अब आपने क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे एक एक करके देखना है, और भी क्वेश्चन है, नहीं और क्वेश्चन नहीं, तो ये सारे हमने आपको क्वेश्चंस बताएं, क्वेश्चन को पढ़िए पहले, उसके सारे ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शंस से रिलेट जब आप समझेंगे तो आप देखेंगे कि इस टाइप से क्वेश्चन लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन है बहुत सारे क्वेश्चन कवर किया गया था, ठीक है। हालांकि आपके लिए जैसे सेक वन, सेक थ्री या सेक वन का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसमें आपसे और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोल्डर किसे कहते हैं, ठीक है ना, फोल्डर क्या होता है, फाइल क्या होता है, तो इसके कुछ ऑप्शन दिए रहेंगे, फोल्डर क्या होता है, फाइल क्या होता है, उसके बाद आपसे पूछेगा फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है, ठीक है ना, फाइल को कैसे एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा हार्ड डिस्क के बारे पूछ सकता है, राइट, हार्ड डिस्क के बारे पूछ सकता है, हार्ड डिस्क क्या होता है, फिर आपसे बहुत सारे फुल फॉर्म भी पूछेंगे, तो ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चन से बचे हुए हैं, अगले वीडियो में इसको पढ़ा के ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो चैप्टर है ये ख़त्म हो जाएगा। तो आपको इसके पहले हमने आपको दिए थे एक या दो हमने वीडियोज़ दिए हैं, और आज एक ये वीडियो और एक और वीडियो बच रहा है जिसमें हम बेसिक क्वेश्चन और लाते हैं ताकि आपका एग्ज़ाम जो है वो सही तरीके से जाए, और देखना फुल फॉर्म ज़्यादा तरीके से याद किया जाएगा कि फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में पूछता है कि फुल फॉर्म क्या है इसकी, ठीक है। तो ये आपका जो यूनिट है सिलेबस पर फोकस कीजिएगा, तो ये यूनिट जो है आपका सिलेबस में ये यूनिट दिया हुआ है, कौन सा यूनिट है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सारे इसमें कंटेंट है लेकिन जो ओवरव्यू निकल के आ रहा था मैं ओवरव्यू के थ्रू आपको पढ़ा दिया क्या चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू वेरी मच।